और इसकी चाबी देखो देखो, दो दो चाबी देख रही, एक चाबी ये रही। तो भाई फाइनली आकाश भाई ले आए अपने लिए हेल, एक बदलेंगे भाई अपना ये पेंट पाइप। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जिम से सीधा मैं आया सानवी और कबीर को स्कूल से लेने। कहां से लेना है? तो भाई जिम से मैं सीधा आया सानवी और कबीर को लेने स्कूल से। तो भाई अपने कल के व्लॉग में तुमने देखा ही होगा कि अपनी बुलेट है, मैं बहुत हद तक अपना सामान है वो टल चुका है, ठीक है, कुछ सामान अपना रह रहा है अभी, वो डालेंगे आज। पता क्यों? क्योंकि भाई कल हो गई थी रात, उसको डालते डालते है ना। भाई तेरी बारी आज कॉफी पियाने की। तो भाई कल का सीन पता क्या, हम इस टाइम सानवी और कबीर को लेने आए थे ना स्कूल से, तो इसने बोला कि भाई आज तू कॉफी पिया दे, कल मैं पियाऊंगा माँ कसम। पिया भाई कॉफी, पिया चल जल्दी कॉफी पिया दे, बड़ा है बात है जो तेरे कॉफी में ₹200 दाए। तो भाई कॉफी ने मैं दुबका कर रखा है अपने रुपये पियाने, यार बटवा ले ला यार। मैं कह रहा हूँ भाई अपना पेटीएम वेटीएम चला ला है ना, पेटीएम में गेर करा के कर भाई घर पहुंचते जल्दी से। भाई आकाश वाकाश हर तुम्हें पिया कॉफी, ठीक है, कल मैं नहीं पिया थी पर मैं तुम्हें पियाऊँ भाई आज, रोज रोज तक कौन पियागा 200-300 रुपया। चलो मैं पूछता हूँ, इतना अमीर का हूँ मैं। तो भाई घर पहुंचते हैं और भाई मैं नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि मैं जिम से सीधा ही ना इनको लेने आ गया था, ठीक है, लेट नहीं आया हूँ, जल्दी आया हूँ। छुट्टी कब हुई है? एक मिनट तो लेट हो जाते हैं यार, इतना तो चलता है ना भाई कबीर। अरे कबीर कहाँ है? मैं तो स्कूल में तो है, लेट हो गया। अच्छा भाई कबीर बोल रहा है, मैं स्कूल जब जा रहा था ना सुबह, तुझे यहाँ में ठीक है, कल मैं लेट हो गया था। तो भाई घर पहुंचते हैं जल्दी से और जो अपनी बुलेट है भाई उसको करते कंप्लीट। की मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई भी थी कि जो अपनी बुलेट है ना भाई उसका सबसे जो मजेदार चीज है वो लगानी रह रही है। वो मजेदार चीज पता क्या है? साइलेंसर, पता कस तेरे को? वो पतले मुंह वाला साइलेंसर है जिसको शॉर्ट बॉटल बोलते हैं, वो लगाना रह रहा है। उसकी आवाज इतनी तगड़ी है ना भाई, मजा आ रहा है सुन तगड़ी। तो घर पहुंचते जल्दी से और एक तो लगाना साइलेंसर और एक लगाना अपना मेन लॉक, क्योंकि यार वो अब भी मैं डायरेक्ट करके चला रहा हूँ जुगाड़बाजी से, तो उसमें ना अब चाबी वाबी लगा देगा यार। लॉक वॉक हो तो यार अच्छी सी लगती है थोड़ी, है ना, ऐसी चलती है ना डायरेक्ट तो ऐसी लगती है चोरी के लिए उठा गए। और भाई एक चीज मैं बतानी तुम्हें और भूल गया यार, अभी अपने बुलेट है ना जो उसकी बाहर की हालत ही ठीक हुई है, मतलब इंजन में ना उसके काम हो गया क्योंकि मैंने कल वो चलाई है, ठीक है, 4-5 किलोमीटर कल चलाई ना। तो भाई उसकी उसमें दिक्कत पता क्या आ रही है, उसका जो इंजन है ना वो जब हीट होता है, एक तो भाई वो उसका इंजन ओवर हीट हो रहा है, ठीक है, और हीट होने के बाद ना उसके इंजन से साउंड आ रही है टिक टिक की। अगर बुलेट ठंडी खड़ी है मतलब ठंडा इंजन है, मॉर्निंग मान लो मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे और ठंडा इंजन है तब तो भाई आवाज़ नहीं करती, तब तो रहती बिल्कुल साइलेंट, ठीक है, और थोड़ी गर्म होती है ना जैसे तो इंजन में से साउंड आने लगती है। लेफ्ट साइड जहाँ पे अपना चैन चलती है वहां से भी भाई कट 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 की आवाज आती है। तो ये ना चीज उनको दिखानी पड़ेगी मिस्त्री को, ठीक है। तो आज अपनी बुलेट में लॉक वगैरह साइलेंसर वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी हम सामान लाए थे ना वो सभी इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर एक बार ना वो मिस्त्री के ले जानी पड़ेगी भाई, अभी वो सेट होगी ना ऐसे वो सेट नहीं होगी, है ना, एक बार मिस्त्री के तो उससे भाई ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि अपने बस की जो जो काम थे भाई वो अपने देख कर दिया उन्हें, है ना भाई, है ना आकाश भाई। हम भाई मिस्त्री तो है नहीं पर जितना काम हो जाता है ना उतना मैंने कर दिया, आगे का जितना काम है ना वो है भाई मिस्त्री का, ठीक है ना, वो काम नहीं है वो है मिस्त्री का। एक बार ना बुलेट को सेट करके बिल्कुल और फिर ले जाएंगे मिस्त्री के, क्योंकि वो ना थोड़ी टेढ़ी भी है यार, मैंने एक चीज कल ही नोटिस करी, वो थोड़ी टेढ़ी भी है, उसका जो फ्रंट टायर है ना वो एक साइड से खागी बिल्कुल। मैंने एक मिस्त्री से पूछा था कल वैसे जब हम बाटा पे गए थे कि भाई ऐसे एक साइड से टेढ़ी है वो फ्रंट जो शॉक है उसके टेढ़े है, तो वो बोल रहा था भाई एक बार ले आना चेक करके देख के बता देंगे क्या दिक्कत है, वो चीज मैं आपको दिखा भी दूंगा जो टेढ़ी है ना थोड़ी, वो मैं दिखा भी दूंगा घर पहुंच के, ठीक है। तो जल्दी से पहुंचते भाई घर और घर पहुंच के अपने बुलेट में जो काम रह रहे थोड़े बहुत वो करते कंप्लीट, उसको कंप्लीट करके नहा धो के फिर जाएंगे कहीं। आकाश भाई ने कॉफी पियाई ना, तू नहा लिया? अरे हां भाई अब तो सुबह ही नहा ले, तू क्या चक्कर है? अरे बगद ही नहा लूं यार। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और भाई मैं घर पहुंचते ही ना सीधा चला गया था खाना खाने, क्योंकि जब मैं सुबह जिम करके आया था ना पिया था मैंने प्रोटीन, और प्रोटीन पीने के बाद ना भाई भूख थोड़ी मेरे को नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा यार सीधा अब चलते सानवी और कबीर को लेने और उनको लाके और फिर मैं खाना खा लूंगा घर आके। तो भाई खाना वाना खा के मैं हो गया बिल्कुल सेट, पहले बुला लेता हूँ मैं आकाश को और आकाश को बुला के और फिर अपने एक बुलेट में जो एक दो काम रह रहे ना वो करते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, दाढ़ी कितनी बढ़ रही है यार, है ना,
बड़ा बड़ा लग रहा हूँ तो भाई दाढ़ी वाड़ी भी काटेंगे यार, दो तीन दिन से काटी नहीं है क्योंकि कल काटता मैं, पर कल मंगलवार था तो कल इसलिए नहीं काटी, पर आज काटेंगे ठीक है, क्योंकि नहाया भी नहीं हूँ मैं अभी। बुलेट में काम करके अपने बुलेट सेट करके और फिर नहाएंगे और तभी मैं दाढ़ी अपनी सेट कर लूंगा ठीक है ट्रिमर से। मेरे घर छोटी वाली दाढ़ी अच्छी लगती है, वो छोटे छोटे होते हैं ना एक नंबर, वो सही लगती है। इनसे पता नहीं बड़े बड़े से लगते, बूढ़े बूढ़े से है ना, ऐसा लग रहा हूँ मैं तो एजड सा। तो भाई आकाश को बुलाते, कॉल करता हूँ उसको एक बार और उसको बुला के यार अपने बुलेट में करते सामान सेट। और भाई एक दो चीज़ मैंने तुम्हें दिखा दी क्या, चलो दिखाता हूँ। भाई आकाश का नाम लिया और आकाश हाजिरी है ना हमारे भाई सहज, देखियो कहाँ ढूंढ रहा मुझे घर में ढूंढ रहा भी। अरे सुअर तेरे द्वारा फोन करने वाला, और तू ही भाई तू ना मरा सहज जी, तो याद कर रहा हूँ आज हेल्प आ रहे हो आज। अरे भाई पैसा आ रहा तो कहीं था, मैंने पिया मैंने सारे तो कॉफी पियाई कल, और तू कह रहा कि भाई मैं पिया दूं कल, आज तो पिया दे। ओ भाई कॉल आ गई, अर्जेंट कॉल है क्या भाई, और खड़ी करते है यहाँ पे ठीक है भाई। यार बुलेट की अब जगह चेंज करनी पड़ेगी आकाश, पता क्यों, क्योंकि यार इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये जगह सही नहीं, समझ रहा है। और इसकी चाबी देखो, देखो दो दो चाबी, देख रही एक चाबी ये रही, ये चाबी है फिलहाल की, आज इसकी चाबी बदल देंगे ठीक है। और डायरेक्ट पता कैसे करता हूँ मैं, तो भाई डायरेक्ट करता हूँ मैं ऐसे, देखो ये तार लिया और ऐसे भाई ठीक है, अब अपने बुलेट है जो ये हो चुके डायरेक्ट, स्टार्ट करके और दिखाता हूँ। हो तेजी कसम, जीरो पॉइंट फाइव में बन रही। तो भाई अपनी जो बुलेट है ना, इसका वैसे मैंने डायरेक्ट तो कर दी थी अभी, बट एक दिक्कत हो गई थी इसमें, इसका जो फ्यूज है ना ये खराब हो गया था, वो दिख रहा है तुम्हें बीच में से टूटा, ये टूट रहा दिख रहा है। तो भाई इसका फ्यूज खराब हो गया है, बट दिक्कत कोई नहीं है, वहाँ से भी हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ ओ यहाँ की वो कहाँ गई, ओहो। तो भाई अपनी चाबी है जो, अब इसको लगाते हैं और फिर करते हैं अपने बुलेट को स्टार्ट। तो भाई ऐसे स्पार्क हुआ था इसमें अभी, तो उसकी वजह से उड़ गया था इसका फ्यूज, फ्यूज भी अब कर दिया हमने डायरेक्ट। तो भाई अपनी बुलेट को करने जा रहे हैं हम स्टार्ट ठीक है, पहली की क्लियर है आज की इसमें है ना भाई। चल बहुत बढ़िया, अभी देख रहे हो अभी इंजन में साउंड नहीं है देखो, और जैसे ही भाई इंजन हीट होगा ना तो भाई इसमें टिक 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 की आवाज आती है ठीक है, इधर साइड से भी आवाज आती है, और ये जो साइड है ना ये इधर से भाई चलने पे आवाज आती है, जब बुलेट चलती है ना तो जब भी टिक 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 इधर से आवाज आती है। तो वैसे तो भाई ये मैकेनिक के ले जानी पड़ेगी हमको। और एक चीज देखो, ये लीकेज हो रही है भाई, देख रहे हो ऐसे कितने लीक हो रही है बुलेट, तो यहाँ की पैकिंग वगैरह, वो देखो ये पाइप भी फट रहा है इसका। तो भाई ये पाइप लाना भूल गए यार, ये पाइप फटा पड़ा है देखो है ना, ये भी लाना पड़ेगा। वैसे तो सेट है बुलेट, साउंड वाउंड देख रहे हो, अभी कर देते बंद। तो भाई अभी कर देते बंद, जो जो काम होएगा ना एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, अपना जो डायरेक्ट तारे हटा देते लो भाई ठीक है। लैकस भाई चाबी, चोरी की चाबी है, अभी पीछे तो बुलेट ले जानी हो ना, तो समझ गया तू, मेरी ना भाई किसी और की। एक ये तार है रेस तार, जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि इसकी जो रेस है ना वो देखो जाम हो जाती है, देखो भाई हो गई ना जाम। तो भाई इसका ना हमें तार ही बदलना पड़ेगा, ये इसका एक इलाज है। तो एक तो इसका भाई ये रेस का तार बदलना पड़ेगा, ये भी बदलेंगे आज ही। एक बदलेंगे भाई अपना ये बेंड पाइप, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है ना, कितना सुंदर सा लगता है भाई, नए नए
और ये नया ही रहेगा ऐसा ही, क्योंकि ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का है, ठीक है। जैसे ये हो गया ना ये वाला, ऐसा नहीं होगा भाई, ये रहेगा ऐसा ही चमकता हुआ, बढ़िया। और भाई साउंड में भी फर्क आएगा, कभी आप समझ रहे हो कि भाई साउंड सेम रहेगी, साउंड में भी फर्क आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो इसमें अभी फिलहाल डल रहा है, ये है भाई हल्का पाइप, ठीक है, और ये है थोड़ा हैवी पाइप, ठीक है। इनके मटेरियल में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। और एक डालेंगे भाई इसमें सॉल्ट बॉटल, देख रहे हो भाई, ये करता है साउंड तो सच बताऊं तगड़ी। असली जो रियल बुलेट की साउंड है ना, वो आती है भाई इस वाले साइलेंसर से, सॉल्ट बॉटल से, ठीक है। तो ये चीज़ आज डालेंगे, और एक चीज़ और रहेगी, हाँ ले आए भाई आकाश भाई, तो ग्रेट है तू तो यार। और एक भाई अपना ये लॉक, ठीक है, मेन लॉक। बस इसकी एक चीज़ नहीं डलेगी, वो पता क्या, अभी दिखाता हूँ और को, ये चीज़ नहीं डलेगी, क्योंकि ये अपनी इस टंकी की है ही नहीं, ये है भाई अपने न्यू मॉडल की टंकी की। जब अपनी बुलेट में न्यू मॉडल की टंकी डल जाएगी ना, तब लगा देंगे इसको, ठीक है। और ये डलेगा, और ये सारे स्विच वगैरह डाल देंगे आज। तो भाई अपना काम करते हैं स्टार्ट। तो मैं कह रहा हूँ भाई आकाश भाई हेल्प याद है यार आज, तो भाई इतना कंजूस है ना ये, माँ कसम तेन, तू कभी खुद भी कह देगा चल भाई आज मैं पार्टी दे रहा हूँ, कल कल को टाइम डन है। तू आवाज़ रिकॉर्डिंग बुलेट की जैसी, हमें तो रोमन वाली आवाज सही है, तू तो बुलेट की जैसी आवाज करो, तो शक्ल भी ऐसी ना काली। तो भाई अपने काम को स्टार्ट करते हैं, और जल्दी जल्दी से जो भी अपना सामान ये डालते हैं, फिर कराते हैं भाई आपको सॉल्ट बॉटल की साउंड चेक, क्योंकि ये वाली जो इसकी जो साउंड है ना, वो तो भाई बहुत बेकार है, ठीक है। तुमने भी ये चीज नोटिस करी होगी, इसकी साउंड में मजा नहीं है जो उसमें मजा है, ठीक है। तो भाई करते काम को स्टार्ट और फिर दिखाते आप। तो भाई जो अपनी बुलेट का पुराना लॉक है, उसमें और नए लॉक में डिफरेंस दिखाऊं, ये देखो ये भाई पुराना लॉक, ठीक है, यहाँ पे भी पूरा पूरा डिफरेंस है, और इसके स्विच में भी डिफरेंस है, ठीक है। और ये देखो भाई न्यू वाला लॉक जो हम इसमें अब फिलहाल डालने वाले हैं, यहाँ पे देख रहे हो कितना ये मोटा सा है, ठीक है, और इसके इसमें भी देख रहे हो, इसमें भी देख लो भाई फ़र्क है ना। तो यार बहुत फ़र्क है भाई, जुगाड़ाबाजी से लगाना पड़ेगा, लग जाएगा तो है ना। तो करते भाई इसको ट्राई और लगाते जल्दी से। तो भाई फाइनली आकाश भाई ले आए अपने लिए हेल, ठीक है, और अपने लिए भी, पर किसके पैसे भाई, अरे कंजूस, हम नहीं खाइए मम्मी कसम, मम्मी कसम खाइए, तू अपने पैसे तलायो, हम नहीं देगा भाई, इतना कंजूस है माँ कसम, मेरे से झीकता ही रहा झीकता ही रहा। फिर मैंने आखिर मैंने की चल भाई लिया यार, कह रहा था भाई यार एनर्जी नहीं है प्लीज भाई, मैंने की भाई लिया तो फिर ठीक है, तो भाई लिया है फाइनली, मेरे पैसों के पी रहा है, अपनी भी प्यादे कर कंजूस का दी, नहीं मर जाएगा, फोड़ दे, जब मैं पिला फोड़ दे, भी ब्लॉग नहीं बना था मैं भाई। अपनी BS6 भी आ चुकी है बाहर, और इसको बाहर मैं इसलिए लेके आया हूँ भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई 10-15 मिनट के लिए स्टार्ट खड़ी कर देते, क्योंकि भाई ये एक हफ्ते से ज्यादा ही खड़ी है बंद, ठीक है ना भाई, एक हफ्ता तो हो गया होगा, एक हफ्ता से ज्यादा ही हो गया इसे खड़ी खड़ी। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसमें ना 10-15 मिनट के लिए इसको स्टार्ट खड़ी कर देते है ना, वरना भाई बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है, और बंद बाइक ना, बंद बाइक हो या गाड़ी हो कोई भी हो, खराब ही हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर इसको भी खड़ी कर देते हैं, और इसमें से ना कुछ चीज मेरे को देखनी है, जो इसकी डलानी है मेरे को, तो वो डलती कैसे कैसे उसमें डलानी, जैसे मान लो ये डबल स्टैंड है और साइड स्टैंड, ये नीचे सारा फ्रेम है ना जो, ये मुझे देके और फिर उसमें कराना कि भाई ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। वैसे इसका फ्रेम और उसका फ्रेम अलग अलग है, कभी आप समझ रहे हो सेम है, फिर सेम नहीं है भाई, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों, बट थोड़ा ना उसमें जुगाड़बाजी होगी, तब जाके इसके डबल स्टैंड और साइड स्टैंड डालेंगे, है ना। तो कुछ चीजें मेरे को देखनी है, जैसे कि फुट रेस्ट भी हुए, इसके फुट रेस्ट है जो एसिड लाने उसमें भी। तो भाई अब करते इसको स्टार्ट, एक किक में स्टार्ट है भाई, भाई नई बुलेट है ना जो BS6, इसका ये इनका ये सिस्टम मुझे सबसे बड़े लगता है, कभी भी स्टार्ट कर लो या कितनी ही ठंड हो कितनी ही गर्मी हो, एक किक में स्टार्ट हो जाती है। ये जो इनका ये है ना फ्यूल इंजेक्टर, ये फायदा है इस चीज का इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसको खड़ी रहने देते भाई ऐसे ही, और हेल हमने पी लिए, और इसका जो और काम रह रहा है, लॉक तो अपना फिट हो गया, बस इनकी वायरिंग मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और भाई वायरिंग है ना इनकी प्रॉपर करेंगे, कट नहीं मारेंगे। वैसे जो स्विच है ना जो मैंने अभी लगाया है, ये वायरिंग काट के लगाना पड़ता है, पर हम इसकी वायरिंग नहीं काटेंगे, डायरेक्ट फिट करेंगे, ठीक है, दिखाऊंगा। तो भाई अपना जो बुलेट का स्विच है ना वो हो चुका है भाई बिल्कुल फिट, ठीक है। और देख लो वायरिंग कहीं से कट नहीं की है भाई, ये मेन वायरिंग है ना जो मेन स्विच की, ये देख लो कहीं से वायरिंग कट नहीं की है। और एक ये देखो भाई, यहाँ से डायरेक्ट इसमें एक पलक कट कर दिया, और अपने बुलेट जो वो ऑन हो चुके हैं, देखो जल गया ना इंडिकेटर, इंडिकेटर को कर देते फिलहाल के लिए बंद, ठीक है। और अब रह रहे अपने बाकी, एक तो ये लॉक, और ये बैटरी कवर लॉक, और अपना ये टूल बॉक्स लॉक,
ये वाला भाई, ठीक है। तो इनको और चेंज कर देते जल्दी से। तो भाई अपने जो स्विच है वो सारे लग चुके हैं, अपने टूल बॉक्स का लग गया और ये भी लग गया, और अपना जो बैटरी बॉक्स है भाई इसका भी लग गया। पर भाई एक दिक्कत आ गई है, ये है ना जो अपना पेट्रोल फिल्टर, इसमें ना एक दिक्कत है। ये देख रहे हो जैसे ये नीचे जाएगा ना ऐसे, यहाँ से देख रहे हो एकदम ये जो पाइप है ना ये बेंड हो जाता है, तो यहाँ से ना फ्यूल की दिक्कत हो रही है, तो उस चक्कर में ना मिसिंग मार दिया। तो मैं सोच रहा हूँ ये कुछ ऐसे करके रहे किसी चीज से, जिससे वो पाइप बेंड ना हो और फ्यूल अपना ठीक जाए। तो भाई इसका ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना भाई ये इससे ना मिसिंग मार रही है, क्योंकि जैसे ही पाइप बेंड होता है ना तो फ्यूल ठीक से जा नहीं रहा है इंजन में, तो उसकी वजह से मिसिंग मार रही है। तो इसका कुछ जुगाड़ मैं सोच रहा हूँ, इसका जुगाड़ सोच के फिर दिखाता हूँ तुम्हें मैंने इसमें क्या करा, ठीक है। तो भाई अपना जो ये पेट्रोल फिल्टर था ना इसमें लगा दी भाई ये बेल्ट, देख रहे हो, तो इसकी वजह से ना थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, वैसे थोड़ा थोड़ा क्या, वैसे बहुत हद तक ठीक हो गया है, थोड़ा थोड़ा बेंड हो रहा है, पर ये तो इतना तो चल जाएगा, क्योंकि कार्बोरेटर है जो वो भी पेट्रोल को खींचता है, ठीक है। और भाई जो ये वाला अपना पाइप था ना नीचे मैं दिखा रहा था ये फट रहा था, तो भाई फिलहाल के लिए यही एडजस्ट कर दिया, काट के थोड़ा सा और आगे की तरफ फिट कर दिया, ठीक है। फिलहाल के लिए तो यही एडजस्ट कर दिया, किसी दिन चक्कर लगेगा ना बाटा पे तो इसको नया ले आएंगे, है ना, बेकार की फटी नहीं पालेंगे, ये नया ले आएंगे। और अब रह रहा भाई फिलहाल अपना रेस का तार घेरना, ठीक है, और अपने साइलेंसर, ये चीज अपनी रह गई, तो पहले मैं घेरूंगा ये रेस का तार और फिर घेरेंगे साइलेंसर। भाई अपना जो रेस का तार है ना वो भाई इसको खुल के और फिर ये निकलेगा, फिर वो डलेगा। तो ये है ना जो इसमें एलेंकी का नट है ये खुल नहीं रहा, तो इसकी एलेंकी मैंने मंगाई है आकाश पे, वो अभी लेने गया। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इतने ना अपना जो ये है ना इंडिकेटर इनको हटा लेते हैं, ये देखो कहाँ पड़ गया इंडिकेटर, वैसे अभी मैं खोल रहा था तब गुस्सा आए, तो भाई इनको हटा लेते, पीछे वाले तो भाई थोड़े हार्ड है खोलने, खोलेंगे उनको, पर पहले फ्रंट वाले खोल लेते। तो भाई अपना बेंड पाइप तो लग चुका है, अब बारी है साइलेंसर लगाने की।
बुलेट हो चुकी है अपनी कंप्लीट, और अपना जो साइलेंसर भाई शॉर्ट बॉटल, इसकी साउंड अभी आपने सुन ली होगी। और भाई एक दिक्कत आ रही है अपनी बुलेट में भाई, ये मिसिंग मार रही है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये चीज सब मिस्त्री को दिखानी पड़ेगी, ये क्यों मिसिंग मार रही है। वैसे मैंने तो देखो सब चीज देख ली, कार्बोरेटर भी साफ कर लिया और जो भी मतलब होता है सब कर लिया अपनी साइड से, मैंने फुल कोशिश कर ली, बट अब भी इसकी मिसिंग खत्म नहीं हो रही। तो भाई ये चीज देखेगा मिस्त्री।